आप एक बात पर विचार करके बताइए कि इस देश के भीतर बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा गृहमंत्री का बेटा है? मतलब बीसीसीआई के सेक्रेटरी को बनाने के लिए गृहमंत्री जी तैयार हैं है? गृहमंत्री के बेटा को मिलेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी और आम लोगों के बच्चों को मिलेगा 4 साल की ठेके वाली नौकरी। तो हम कहना चाहते हैं कि यह जो ठेके वाली नौकरी है इसको बंद करना पड़ेगा। अगर इस देश में मंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, प्रधानमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, तो मैं पूछना चाहता हूं कि गरीबों का बच्चा, आदिवासियों का बच्चा क्यों नौकरी करेगा 4 साल के लिए? आप जानते हैं कि इस देश में गरीबों के बच्चों के साथ अन्याय किया गया है। क्या अन्याय किया गया है कि एक अग्निपथ योजना लाई गई है और उस अग्निपथ योजना के चलते फौज में जो अस्थाई नौकरी होती थी उस नौकरी को समाप्त कर दिया गया है। आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा करके देख लीजिए, अस्थाई नौकरियों को समाप्त किया जा रहा है, ठेके पे नौकरी दी जा रही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब इस देश में प्रधानमंत्री 5 साल के लिए होगा तो अग्निवीर में 4 साल के लिए नौकरी क्यों दी जा रही है? ये इस देश के नौजवानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसीलिए मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, हे नौजवान, ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। अगर आप अपने हक और अधिकार के लड़ाई के लड़ने के लिए तैयार हैं तो आपको न्याय योद्धा बनना पड़ेगा, आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होना पड़ेगा अपनी नौकरी के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। इसीलिए हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यक्रम शुरू किया है कि इस देश के जो जवान आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्मी में सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों को आज उससे वंचित रखा जा रहा है। इसके खिलाफ हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है जय जवान। हमारा यह मानना है कि जब होगा जय जवान तभी बना रहेगा जय हिंदुस्तान, तभी होगा हिंदुस्तान महान। इसीलिए हम लोग एक बात कहते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हम 5 तरह का न्याय चाहते हैं। हम न्याय चाहते हैं इस देश में नौजवानों का, युवाओं का। हम न्याय चाहते हैं इस देश में, इस देश के वो तमाम लोग, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, हम उनका न्याय चाहते हैं। और इसी न्याय की मुहिम को लेकर के यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और तमाम राज्यों से गुजरते हुए हम झारखंड पहुंचे हैं। और जब हम झारखंड पहुंचने वाले थे तो जय शाह के पप्पा ने पूरा कोशिश किया, खूब फोन लगाया, खूब जो है विधायक खरीदने की कोशिश की, लेकिन आप झारखंड की जनता महान है, आपके नेता महान है कि उनका दौलत रखा रह गया, उनका सूटकेस रखा रह गया, आपका सरकार बरकरार है, आपके मुख्यमंत्री बरकरार हैं। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। इसीलिए आज जो गंभीर परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हम आप तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि देश में कमर तोड़ महंगाई है, लगातार हर चीज महंगी होती जा रही है। जो तेल 80 रुपए किलो मिलता था आज 200 रुपए किलो मिल रहा है, जो पेट्रोल 50 रुपये लीटर मिलता था आज 100 रुपये लीटर मिल रहा है, जो एलपीजी का सिलेंडर 500 रुपये में मिलता था आज 1200 रुपये में मिल रहा है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं कि देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आज की तारीख में। भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है, दुनिया का हर 5वां नौजवान भारतीय है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। एक तरफ कमर तोड़ महंगाई है, दूसरी तरफ कमर तोड़ बेकारी है, और तीसरी तरफ आप आए दिन यह खबर सुनते होंगे कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप ये खबर सुनते होंगे कि आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, आप ये खबर सुनते होंगे कि दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो भारत के किसी ना किसी कोने में किसी ना किसी भारतीय के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार से हम मुक्ति चाहते हैं, इस अत्याचार से हम आजादी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि संविधान ने जो हमको अधिकार दिलाया है उस अधिकारों को हम बचा करके रखें, उस अधिकार को हम सुरक्षित करके रखें। इसीलिए हम आप तमाम झारखंड के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि यह लड़ाई देश बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। इस विचारधारा की लड़ाई में एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश को बेचने की साजिश कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं कि वो बड़े बड़े धन्ना सेठों से चंदा लेते हैं और चंदे के दम पर मीडिया को खरीदते हैं और जनता के सवालों को गुमराह करने का काम करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस मॉडल के खिलाफ हमको आवाज उठाना पड़ेगा। ये मॉडल है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, ये मॉडल हमको समझना पड़ेगा। हमको ऐसा मॉडल चाहिए जो हमारे बच्चों को नौकरी दे, जो किसानों को उनके फसल का दाम दे, जो मजदूरों को मजदूरी दे, जो महिलाओं को आत्मसम्मान दे, जो आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार दे। और आपको यह बात ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे तो यह हमको बार बार अपमानित करने का काम करेंगे। आपने देखा कि मोदी जी का समर्थक एक चापलूस पत्रकार किस तरीके से आदिवासियों को अपमानित करने का काम किया, हेमंत सोरेन के नाम पर, हेमंत सोरेन के बहाने किस तरीके से उन्होंने आदिवासी अस्मिता को अपमानित करने का काम किया। वो जो बेशरम पत्रकार था, वो टीवी पे आकर के कहता है
कि आदिवासियों को जंगल में रहना चाहिए। अरे हमारे पुरखे जंगल में रहते रहे हैं, हमको जंगल में रहने से परहेज नहीं है। लेकिन जितना यह देश तुम्हारा है उतना ही देश हमारा भी है। अगर तुम्हारे बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे। आपने आदिवासियों को अपमानित करने का काम किया है। इसीलिए हम झारखंड के तमाम लोगों से कहते हैं कि हमारे आपके अधिकार की लड़ाई है। इस अधिकार की लड़ाई में 5 तरह के न्याय को सुरक्षित करके एक मुट्ठी की तरह हमको एकजुट रहना पड़ेगा। और अगर हम एकजुट रहेंगे तो हमको कोई हरा नहीं सकता है, कोई माई का ताकत लाल जो है हमारी ताकत हमसे छीन नहीं सकता है। इसीलिए मैं आपसे आखिरी अपील करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आपको बांटने की कोशिश की जाएगी, आपको लड़ाने की कोशिश किया जाएगा, आपको धर्म के नाम पे भटकाने का कोशिश किया जाएगा। आपको एकजुट रहना है। बोलिए आप एकजुट रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अगर आप एकजुट रहेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि यह इंडिया अलायंस न सिर्फ भारत को बचाएगा बल्कि आने वाले दिनों में हम तमाम आम आवाम के लिए एक बेहतर भारत का निर्माण करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ जो हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता यहां मौजूद हैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए और आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय जोहार।